तो वहीं आपको एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख जयंत मलैया ने जानकारी दी। बंसल न्यूज पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि आम जन बुद्धिजीवी महिलाओं से सुझाव मांगेंगे, सुझाव के आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। पार्टी में समन्वय और संवाद हमेशा रहना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बड़ी कल बैठक होने जा रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सुझाव लिए जाएंगे, तब जाकर ये मसौदा तैयार किया जाएगा कि क्या कुछ रखा जाए संकल्प पत्र में। देखिए, 2023 चुनाव को लेकर अब समय कम है, तो निश्चित है कि घोषणा पत्र भी आना है। जो जो बातें आप जनता के सामने लेकर जाने वाले हैं उस पर भी काम करना, क्योंकि कांग्रेस अपने वचन पत्र का कुछ चीजें, कुछ बिंदु लेकर आ भी चुकी है, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही। कुछ दिन पहले कमलनाथ ने भी एक इस बात की घोषणा की थी कि वो क्या क्या लेकर आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक हो रही है, पुराने सीनियर लीडर जिनको लेकर सवाल उठाए जाते रहे थे अब उन्हें ही मौका मिला है, जिसमें जयंत मल्या की बात करें, प्रभात झा या बाकी जो नेता है उन सबको उस पूरी कमेटी में मौका मिला। जयंत मलैया उसके अध्यक्ष बनाए गए, प्रमुख बनाए गए, तो उनसे बात के द्वारा उन्होंने कहा कि कल की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ये होगा कि हम आम जनता से सुझाव लेना चाहते हैं, महिलाओं से सुझाव, युवाओं से सुझाव, और वहाँ से जो सुझाव मिलेंगे अलग अलग जिलों से, कस्बों से सुझाव बुलाए जाएंगे, जहाँ से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। लेकिन पहली बैठक है और निश्चित रूप से इस बैठक में कांग्रेस के जो वचन पत्र की चर्चा हो रही है उसकी भी चर्चा हो सकती है, उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में जो घोषणाएं हुई है समितियों की, तो उससे लगता है कि बीजेपी नए और पुराने नेताओं को साथ लेकर बढ़ना चाहती है और उनके पास जो एक लंबा अनुभव रहा है उसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार करना चाहती है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी घोषणा पत्र की तैयारी कर रही है।